नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। हरियाणा में धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक चलेगी। वहीं बाजरा, मक्का और मूंग की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होगी। तो वहीं हरियाणा के किसान धान खरीद शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस बार अब तक धान खरीदने को ना तो आढ़ती तैयार हैं और ना ही राइस मिलर्स। इसीलिए तैयारी पूरी ना होने पर खरीद शुरू होने की तारीख आगे बढ़ सकती है। फिक्की एंड डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स द्वारा आज नई दिल्ली के होटल मेरिडियन में फिजिकली एंड डिजिटल रूप से 10वें एग्रोकेमिकल सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया, जिसका थीम था इंडिया एट देयर 75 एक्सपेडिटिंग द सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ एग्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान प्रधानमंत्री कार्यालय, क्रमिक लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर के लिए एकीकृत अरोमा डेयरी उद्यमिता का प्रस्ताव रखा, जिससे किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इससे किसानों के लिए नया रोजगार का रास्ता खुलेगा। दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले साल खेतों में किए गए छिड़काव के नतीजे सकारात्मक रहे। अब पिछले साल के मुकाबले ज्यादा जमीन पर छिड़काव करने की तैयारी है। छिड़काव के नतीजे से किसान भी काफी संतुष्ट हैं। जिन किसानों ने जमीन के एक छोटे टुकड़े पर बायोडिकम्पोजर का छिड़काव कराया था, वह इस बार दूसरे खेतों में भी इसका इस्तेमाल करें ताकि पराली को खाद बनाया जा सके। उत्तर प्रदेश के कई जिले बारिश और भयंकर बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। दो तरफा पड़ रही मार से किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं। फसलों को भारी मात्रा में नुकसान हुआ है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। स्थिति को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के लिए अलर्ट जारी किया है। तो वहीं बारिश से प्रभावित किसानों ने सरकार से मुआवजे की भी मांग की है। हेमपुर दीपा क्षेत्र के छाछरी मोड़ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का हजारों किसानों ने फूल बरसाकर स्वागत किया, जहां राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों की मांगों को लेकर लगभग 10 महीने से चल रहा आंदोलन अवश्य रंग लाएगा। सरकार काले कानून को लेकर एक दिन जरूर झुकेगी। उन्हें किसानों से बातचीत करनी ही पड़ेगी। इससे पहले किसान समझौता नहीं करेंगे। गया के बरतारा बाजार अवस्थित बिस्कोन भवन में रखे गए खाद को बीते 3 दिनों से वितरण नहीं किए जाने को लेकर आक्रोशित किसानों ने 4 घंटा जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही किसानों ने सरकार एवं स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की। दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश के बाद से ही लगातार बादल छाए हुए हैं। IMD की ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के जिन राज्यों में तेज बारिश हो सकती है, उनमें दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात और छोटा उदयपुर शामिल हैं। इसी तरह के अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।